क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर के मैदान में दूसरा वनडे मैच खेला गया, लेकिन इससे भी खास रहा उमरान मलिक का वो पहला ओवर जिसमें खून खराबा हो गया। जी हां, अपनी आग उगलती तेज गेंदों से उमरान ने बांग्लादेशियों को डरा दिया, धमका दिया। हालात ये हो गए कि मीरपुर के भरे मैदान में उमरान मलिक बांग्लादेशियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। बांग्लादेश के दिग्गज शकबिल हसन की पसली तोड़ दी, हेलमेट फोड़ दिया और उसके बाद ढेर भी कर दिया, और उमरान के आगे विकेट फेंक कर हाथ जोड़कर बांग्लादेशी पवेलियन चले गए, ड्रेसिंग रूम चले गए। तो दिखाते हैं आपको उमरान का वो पहला तूफानी कातिलाना ओवर, और इस वीडियो को आप भी शेयर करें उमरान को लेकर, उमरान की घातक और कमर तोड़ गेंदबाजी को लेकर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो बांग्लादेश और भारत के इस मैच में बांग्लादेशियों की पहले बैटिंग आई और बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। मोहम्मद सिराज ने दो शुरुआती विकेट्स लिए, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की टीम ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। शांति से बैटिंग चल रही थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले वाली शांति थी, क्योंकि अभी तो उमरान मलिक को बॉलिंग पर आना था। बांग्लादेश के दौरे में अपना पहला मैच खेल रहे उमरान मलिक 12वां ओवर लेकर आए। सामने बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक और दिग्गज बल्लेबाज शाकिब अल हसन थे। पहली बॉल उमरान मलिक ने ऑफ स्टंप पर फुलर लेंथ की डाली, जिस पर शाकिब अल हसन ने डिफेंसिव पुश किया और गिरफ्तार से दी, यानी कि शुरुआत से ही उमरान ने 150 के पार की स्पीड से बॉलिंग शुरू कर दी और अपने तेवर दिखा दिए थे कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी बॉल उमरान ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी और ये बॉल शाकिब अल हसन जज नहीं कर पाए, सीधे जाकर बॉल शाकिब अल हसन की पसलियों पर लगी। जी हां, शाकिब वहीं पर दर्द से कराह उठे, चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उमरान मलिक आग उगल रहे थे और कुछ और ही करने के मूड में थे। शाकिब की पसलियों में जबरदस्त चोट लगी थी, लेकिन शाकिब अल हसन दर्द का घूंट पीकर चुप रह गए और अगली बॉल के लिए तैयार हुए। ओवर की तीसरी बॉल उमरान ने एक बार फिर 150 के पार पहुंचा दी। 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर उमरान ने बाउंसर डाली, जिस पर शाकिब अल हसन ने डर के मारे डक किया, लेकिन उमरान की बॉल ने शाकिब की बॉडी को फॉलो किया और शाकिब अल हसन के कंधे पर बहुत ज्यादा तेजी से बॉल लगी। शाकिब अल हसन वहीं मैदान में पिच में गिर गए। जी हां, शाकिब अल हसन कंधे पर बॉल लगते ही गिर गए और एक बार फिर शाकिब को गहरी चोट लगी थी। शाकिब दर्द के मारे कराह उठे, बांग्लादेशी फैंस के चेहरे मुरझा गए थे। खुद शाकिब अल हसन को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शाकिब के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा था। शाकिब जबरदस्त तरीके से डर रहे थे, घबरा रहे थे, क्योंकि उमरान मलिक लगातार 150 की पार की स्पीड से बॉल फेंक रहे थे और सीधे सीधे बॉडी लाइन पर अटैक कर रहे थे। शाकिब अल हसन को खेलना और झेलना दोनों ही मुश्किल हो रहा था। ओवर की चौथी बॉल शाकिब अल हसन बड़ी मुश्किल से बैट पर ले पाए, एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ बॉल को डिफेंस किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा शाकिब को कॉन्फिडेंस आया होगा कि वो उमरान की बॉल पर बैट भी लगा सकते हैं, लेकिन घबराहट अब भी चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। ओवर की पांचवी बॉल एक बार फिर से 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान मलिक ने डाली, जिसे शाकिब बड़ी मुश्किल से झेल पाए। अब शाकिब ये ओवर सिर्फ खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि शाकिब को बॉल नजर ही नहीं आ रही थी और वो चाहते थे कि कैसे भी उमरान की आखिरी बॉल बीत जाए। उमरान के पहले ओवर की लेकिन ये आखिरी बॉल जबरदस्त थी, जिसमें बवाल हो गया। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान मलिक ने बॉल सीधे फेंकी, जो कि जाकर शाकिब अल हसन के हेलमेट पर लगी। जी हां, बॉल सीधे हेलमेट पर लगी, शाकिब के हेलमेट का हिस्सा टूट गया। जी हां, हेलमेट पर बॉल लगकर काफी दूर गई, जिस पर रन अगर दौड़ते तो दो रन दौड़कर ही हो जाते, लेकिन शाकिब तो गहरे सदमे में आ गए थे, वो सब कुछ भूल गए थे। शाकिब का हेलमेट टूट गया था, हेलमेट फूट गया था। तुरंत ही बॉलर उमरान मलिक भी शाकिब के पास आए और माफी मांगी। केएल राहुल भी शाकिब के पास पहुंचे और शाकिब का हाल चाल जाना। शाकिब अल हसन ने यहाँ पर खुद को ठीक दिखाया, ठीक बताया, लेकिन वो ठीक थे नहीं, क्योंकि ओवर की शुरुआत में बॉल पसलियों में लगी थी, वहाँ पर हड्डियां टूट गई थी और उसके बाद शाकिब का कंधा भी उमरान मलिक ने तोड़ दिया था और फिर आखिरी बॉल में हेलमेट तोड़कर डर का माहौल बना दिया था, घबराहट का माहौल बना दिया था। पूरे ओवर में उमरान मलिक की तूफानी खून खराबे वाली बॉलिंग ने एक भी रन नहीं दिया और बांग्लादेशियों को डर के खौफ के माहौल में धकेल दिया। अब इस तूफानी ओवर का असर न सिर्फ शाकिब अल हसन पर पड़ा, बल्कि सामने नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े शांतो पर भी दिखा। उमरान के अगले ओवर की पहली बॉल पर ही शांतो ढेर हो गए। जी हां, अगले ओवर में शांतो स्ट्राइक पर थे और पहली ही बॉल पर उमरान के बोल्ड हो गए और ऐसा लगा कि जैसे उमरान से डर कर शांतो ने विकेट से छोड़ दी। और यही नहीं,
शाकिब अल हसन के दिलो दिमाग पर तो उमरान का ऐसा असर, ऐसा डर छाया कि इसके बाद शाकिब सेटल ही नहीं हो पाए। अगले ओवर में भी एक बार फिर से उमरान ने शाकिब की पसलियों को वार किया और इस बार भी दर्द के मारे शाकिब अल हसन चिल्लाने लगे थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि शाकिब ने अपना विकेट फेंक दिया। जी हाँ, उमरान से डर कर घबरा कर शाकिब अल हसन ने अपना विकेट गिफ्ट कर दिया और सुंदर की बॉल पर नौ सिक्कियों की तरह शॉट खेलकर आउट हो गए। हालांकि उमरान मलिक ने तो इसके बाद भी पूरे मैच में बांग्लादेशियों को डरा कर रखा, धमका कर रखा, लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा से बॉलिंग की और जो भी सामने आया उसकी बॉडी को तोड़फोड़ कर दिया। मगर लेकिन वो पहला वाला ओवर, वो शाकिब की हड्डी तोड़ने वाला ओवर बेहद खास रहा, जिसमें शाकिब अल हसन का घमंड चूर चूर कर दिया, बांग्लादेशियों का घमंड तोड़ कर रख दिया। उमरान मलिक ने गजब की बॉलिंग की। तो आपका उमरान के इस ओवर पर क्या कहना है, इस तेजी पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो ऋषभ पंत बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा थे और पहला मैच खेलने की भी पूरी पूरी संभावना थी, लेकिन जब रोहित शर्मा टॉस के लिए आए तो पता चला कि पंत टीम में ही नहीं है। फिर लगा कि पंत को खिलाया नहीं गया होगा, रेस्ट दिया होगा और राहुल को इसीलिए कीपिंग दी गई। लेकिन कुछ देर बाद बीसीसीआई का ट्वीट आ गया कि मेडिकल टीम से सलाह के बाद ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया गया है वनडे की टीम से। और साफ शब्दों में कहे तो वनडे टीम से पंत को बाहर कर दिया गया, न सिर्फ प्लेइंग 11 से बल्कि पूरी टीम से, स्क्वाड से ही बाहर दिया गया। लेकिन ये सब कुछ मेडिकल वजह से नहीं हुआ बल्कि प्री प्लान था, ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, क्योंकि मैच के बाद केएल राहुल ने इस पर मोहर लगा दी। और जो खुलासे राहुल ने किया उसने साफ कर दिया कि पंत के साथ क्या हुआ। तो केएल ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि पंत के साथ हुआ क्या, मीटिंग में पंत रोने क्यों लगे, पंत को टीम से बाहर कैसे किया गया, वो पूरी कहानी, पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले टीम मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और इसमें सभी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी मौजूद था। और सूत्रों के मुताबिक ऋषभ पंत को बताया गया कि वो अगला मैच यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे मैच नहीं खेलेंगे, केएल राहुल कीपिंग करेंगे ताकि ज्यादा गहराई टीम में आ सके। अब सूत्रों के मुताबिक ऋषभ पंत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहकर बवाल मचा दिया कि क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरे बाहर होने की वजह क्या है, क्या मेरा T20 का खराब फॉर्म इसकी वजह है या फिर मेरे वनडे मैचों का अच्छा रिकॉर्ड इसकी वजह है। जी हाँ, ऋषभ ने ये बात कहकर यहाँ पर खलबली मचा दी, क्योंकि ऋषभ पंत का वनडे रिकॉर्ड कहीं से भी खराब नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था मीटिंग में। पंत ने सवाल छोटा सा किया लेकिन उसने बहुत बड़ा घाव कर दिया रोहित शर्मा पर, राहुल द्रविड़ पर, उनको चीर कर रख दिया। पंत को यहाँ पर संभालने की कोशिश की गई, पंत से कहा गया कि वो खेलेंगे, आगे खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें बेंच पर बैठना होगा क्योंकि पहला मैच जीतना जरूरी है और फिलहाल वो कॉम्बिनेशन में फिट हो नहीं रहे। अब सूत्रों के मुताबिक ऋषभ पंत ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि उनको बाहर करने की असल वजह है क्या। पंत ने कहा कि वनडे की अगर बात करें तो दो मैच पहले मैंने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की धरती पर शतक लगाया था और अकेले दम पर मैच को जिताया था और दो वनडे मैचों में मेरी बैटिंग अच्छी नहीं हुई तो बाहर कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद ऋषभ को चुप रहने के लिए कहा गया। जी हाँ, और टीम डिकोरम का हवाला देकर ऋषभ पंत को चुप करा दिया गया। पंत को कहा गया कि फैसला हो चुका है, इसमें अब कोई बदलाव हो नहीं सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऋषभ पंत बेहद ज्यादा नाराज थे, पंत बोलते रहे और पंत ने कहा कि अगर उन्हें खिलाया नहीं जाना था तो फिर टीम में चुना क्यों गया, उन्हें रेस्ट देते थे तो तुरंत ही रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने कहा कि ठीक है आप टीम से रिलीज हैं, आप आराम करिए। जी हाँ, यही हुआ मीटिंग में और इसके तुरंत बाद ऋषभ पंत को वनडे सीरीज की पूरी टीम से ही रिलीज कर दिया गया। पंत को एक तरह से न सिर्फ प्लेइंग 11 से बल्कि टीम की स्क्वाड से, टीम से ही बाहर कर दिया गया और पंत ने रोते रोते मीटिंग छोड़ दी, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पंत का वनडे मैचों में जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। ऋषभ पंत ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दो मैच पहले ओल्ड ट्रैफर्ड में पंत ने धमाकेदार शतक लगाया था, 125 रन की पारी खेली थी और अकेले दम पर इंग्लैंड को हराया था। और उससे पहले भी ऋषभ की अगर पिछली 11 वनडे पारियां देखें तो उसमें पंत ने 4 अर्धशतक लगाए, 1 शतक लगाया है और 76 रन के बड़े अर्धशतक भी लगाए और इसीलिए तो पंत ने सवाल पूछा। मगर सवाल पूछा तो ऋषभ को बाहर कर दिया गया, रोने पर मजबूर कर दिया गया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।